हे गाइस नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं डीके सोनवाले को फिर स्वागत करता हूं आप सभी का जानवी नर्सिंग पॉइंट जयपुर में। दोस्तों आज फिर से एक शानदार अपडेट्स के साथ में, जो कि दोस्तों होने वाला है VFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत शानदार अपडेट है, परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। जी हाँ, परमानेंट भर्ती है नर्सिंग की, और यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। और जो बेल आइकन देखे सब्सक्राइब करने के बाद में, उसको ऑल पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। सब्सक्राइब कर लोगे आप, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ओके, तो आप जरूर से उसको प्रेस कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 17/2021, ठीक है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट से लेटेस्ट अपडेट्स, वैकेंसी है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगे गए हैं, 24 दिसंबर 2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पर पोस्ट है वो टोटल 30 है दोस्तों। कितनी पोस्ट है टोटल, तो पोस्ट है वो 30 है। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हो, www.bfuhs.ac.in पर आप विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दिया है मैंने कि ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ट्यूटर या डेमोस्ट्रेटर ऑफ नर्सिंग के, मतलब टीचर की पोस्ट है यहाँ पर, और रेगुलर बेसिस है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हो रेगुलर बेसिस है, कैसी है, रेगुलर बेसिस है। GGSMC and H इस जगह के लिए वैकेंसी मांगी गई है, मतलब यहाँ पर पूरा दिखाया गया, बताया गया है, देख सकते हो आप। एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट बठिंडा, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट, SIMPMS वदल, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर श्री गोविंद वाल साहेब एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, और जलालाबाद ये यूनिवर्सिटी है कोई, कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये यहाँ के लिए, ये जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम बताएं वहाँ के लिए वैकेंसी ली जा रही है अभी फ़िलहाल में, रेगुलर बेसिस है। ओके, किसी प्रकार की टेम्प्रेरी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें पोस्ट की, और ट्यूटर या डेमोस्ट्रेटर की पोस्ट है, सीरियल नंबर 2 पर है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 30 है, ठीक है। यहाँ पर इनको अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी क्लासिफाई किया गया है, आप देख सकते हो। जनरल, पहले जनरल मेल की पोस्ट है, उसके बाद जनरल फीमेल की पोस्ट है, उसके बाद EWS की पोस्ट है जिसमें फीमेल की है पहले, जनरल की है, SC MB SC RO SC MB फीमेल SC RO फीमेल, BC VC फीमेल, एक्स सर्विसमैन BC, इस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती है अपने सामने निकल के दोस्तों, ठीक है। ये तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको, 7 CPC के अकॉर्डिंग रहेगी। पे लेवल आपका यहाँ पर, ये इसका 11th है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, डॉक्टर्स हैं रेडियोलॉजी से, इनका छोड़ते हैं अपन, अपना देख लेते हैं। 7 CPC के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी, मतलब आपके यहाँ पर 80-90,000 सैलरी रहेगी दोस्तों। कितनी, 80-90,000 सैलरी आपकी रहने वाली है, और परमानेंट पोस्ट दोस्तों, तो आप जरूर से अप्लाई करें। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद में चलते हैं हम सीधा ट्यूटर और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग की, तो यहाँ पर MSc नर्सिंग कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। कंसर्न स्पेशलिटी, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप साइकेट्रिक से हो तो आप साइकेट्रिक के अंदर आप ट्यूटर के लिए अप्लाई करें, और आप PDIA से हैं तो PDIA के लिए, OBG से तो OBG से, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कंसर्न स्पेशलिटी के साथ में फॉर्म बनाए। इस पर एप्लीकेंट मस्ट हैव वास्ट पंजाबी और इट्स इक्विवेलेंट अप टू मैट्रिक लेवल। यहाँ पर भैया सीधा सर वो क्या बोलते हैं, निष्कर्ष निकल के आता है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है वो यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर मैट्रिक लेवल तक, मतलब जो 10th आप करते हो वहाँ तक आपकी पंजाबी होना ज़रूरी है, और इट्स इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर लिखा है कि इट्स इक्विवेलेंट, आई थिंक ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। तो यहाँ पर इट्स इक्विवेलेंट का मतलब है कि या तो आपने पंजाबी से 12th किया है, या फिर उसके बराबर में, जैसे संस्कृत है या हिंदी है, तो हो सकता है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अब अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट या नहीं कर सकते हैं, वो आप फॉर्म भरते टाइम देख लेना। यदि आप वहाँ पर आ रहा है, आप जब फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे हो वहाँ पर आ रहा है कि आर यू रेजिडेंट ऑफ पंजाब
यस और नो, यदि वह यस और नो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे, और यदि नहीं आ रहा है वहाँ पर तो फिर भैया ओनली पंजाब के ही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। तो आप एक बार ट्राई जरूर कर लें। आई थिंक इट्स इक्वलेंट का मतलब होता है कि इसके बराबर में है ना, तो आई थिंक कि ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे यहाँ कमेंट करने से अच्छा है एक बार खुद से चेक कर लें वो, है ना। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेस कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। अपनी जो पोस्ट है उसके लिए आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी फॉर मतलब सीरियल नंबर 2 की जो पोस्ट है अपनी, तो यहाँ पर SC को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनको 1180 रुपये प्लस आपका इसी के अंदर इंक्लूड है, मतलब 1000 फीस है और 180 रुपये GST 18%, तो 1180 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 590 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे टोटल, जिसमें 500 रुपये आपकी फीस होगी और 18% आपकी GST होगी 90 रुपये, ऐसे आपको 590 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर, वो सॉरी एज कैलकुलेट एज 1 जनवरी 2021 द कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 40 ईयर्स। जी 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अब अप्लाई कर पाएंगे इन केस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। फॉर ट्यूटर डेमोस्ट्रेटर 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं वो नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और 40 ईयर तक असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद में जो जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो पंजाब गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाए। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा SC ST EWS OBC जो भी है आपका जो भी मिलता है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पर तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो आपका ट्यूटर या डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग की पोस्ट के लिए होगा सिर्फ एग्जाम, भैया डॉक्टर्स का कोई एग्जाम मैंने तो आज तक देखा नहीं है कि कोई एग्जाम होता है उनका भी, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली नर्सिंग वालों के लिए एग्जाम देना पड़ता है। आप देख सकते हो रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा और एक्सपीरियंस आपका 10 मार्क्स का कैलकुलेट किया जाएगा। यदि आपने हायर एजुकेशन लेने के बाद जैसे MSc कर लिया आपने, उसके बाद में भी आपने एक्सपीरियंस लिया है तो उसका आपको 10 मार्क्स, वो डिपेंड करता है किस आधार पर वो देंगे, 1 मार्क फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर यहाँ पर दिखाया गया है, 1 मार्क फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर। तो आपने 3 साल का है 5 साल का है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे 10 में से। और बस इतना ही था दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी वो समझ में आई होगी। और दोस्तों ऑल इंडिया की बात कर रहे थे अपन के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए मैंने बता दिया है आप एक बार चेक कर लें। मैं किसी भी प्रकार की श्योरिटी नहीं दे सकता आपको यहाँ पर, ठीक है। किसी भी वीडियो में किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं देता मैं, किसी भी लीगल एक्शन के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ मेरे वीडियो के अंदर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिस्क्रिप्शन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। सो आपको ये जो भी श्योरिटी जतानी है वो भैया आप खुद से जताइए, आप खुद जाके चेक कीजिए, थोड़ा एफर्ट्स आप भी कीजिए। हम तो आपके लिए स्ट्रगल करते ही हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सर्च करते हैं इधर उधर से वैकेंसी। ऐसा नहीं है क्या मतलब आपको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भी थोड़ा बहुत आप भी कर लिए। अब हम क्या है हर वैकेंसी का पोर्टल ओपन करके वहाँ डिटेल फिल करके ऐसे तो नहीं देख सकते कि आपको हर चीज़ हम श्योरिटी के साथ दे दें कि हाँ भैया आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना होता है हर वैकेंसी का जो भी ऑनलाइन होती है, फिर उसके बाद में आप आगे का प्रोसेस कर पाते हैं, तो हर वैकेंसी का नहीं बता सकते आपको ऐसे। सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो थोड़ा बहुत मैंने कुछ बोला तो, वैसे गलत नहीं बोला है। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स में, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं दोस्तों। अभी अभी मैं CHO की वैकेंसी डाला हूँ जहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ मैंने दोनों कंडीशन बताई थी कि आप चेक कर लेना। और अभी अभी थोड़ी देर में एक वीडियो पब्लिश हो जाएगा जहाँ पर TMC की परमानेंट वैकेंसी 175, तो वो वीडियो भी जाके आप देखें। अगेन थैंक यू गाइज, बाय।